योगी जी आए यहाँ दादरी में लड़ा गए, उनको 8,000 लोगों का मर्डर करवा दिया हमारे। पीएम केयर फंड के नाम से प्राइवेट फंड बना लिया चोरी से, तो 840 इस पर धारा लगती है, 420 का डबल है। उसने कहा है किसानों के लिए, तो तुम सुधर जाओ, नहीं मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा। तो ये परिप्लान बलान दिन से चल रही थी, इधर भी देख रहे हैं हम, उधर ही लूटमार, और इसके आगे कुछ नहीं है। मेरे साथ कुछ और अन्य लोग भी यहाँ मौजूद है, मैं जानने का प्रयास करूंगा। सर कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। सर लखीमपुर जो निर्मम हत्या कर दी किसानों को लेकर, इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है आपकी राय, क्या है प्रतिक्रिया? टिकैत साहब ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, क्या लगता है आपको, क्या क्या चीज निकल के आएगी इसमें? इसमें ये निकल के आएगी कि जो है कल तो वहाँ अरदास भोज भी है 12 तारीख में, और इसमें निकल कर रहा हम गृह मंत्री का इस्तीफा उससे पहले कहते भी क्यों, उसकी जो पहले बाइट दी है उसने चल रहा है। हाँ उसने कहा है किसानों के लिए, तो तुम सुधर जाओ, नहीं मैं 2 मिनट में सुधार दूंगा। तो ये परिप्लान बलान दिन से चल रही थी, इसका मतलब ये है जिस दिन से उसने भाषण दिया था वो उसी दिन से चल रही थी। और उसने लास्ट में जो है अपने लड़के के जरिए जो है आगे भेज के नेता बना के, और उसके जरिए उसने जो हमारे किसानों का और वे जो और भी लोग मरे हैं हमारे सारे वे हमारे भाई हैं, तो उनको 8 लोगों का मर्डर करवा दिया हमारे का भारतीय नागरिकों का। तो उसके लिए इसको बर्खास्त, और इसको भी सजा जो भी बनती हो आईपीसी धारा के तहत, और इसको जो है फांसी, इससे कम पे हम राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये जघन्य अपराध करा है। एक जिम्मेदार होते हुए जिसका जो ऐसे पद पे बैठा है जिसको सबका जीवन बचाने का जिम्मा दिया हुआ है और वही मार रहा है, तो उसका जो है देशद्रोह और 420 सारा खेल, जितनी धारा लगती हैं उतनी कम है। ऐसा मेरा मानना है कि इसे सजा होनी चाहिए सख्त से सख्त। और ये टिकैत साहब भी, ये 15 है, फिर 18 है, फिर उसके बाद 26 है, अगर नहीं ये मोदी जी मानेंगे, योगी जी, तो अभी हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे बीजेपी गवर्नमेंट को भी और प्रधानमंत्री मोदी को भी, इनको इस बात का हर कोने चौराहे पर जवाब देना होगा। मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, किसी एक जाति विशेष धर्म के ऊपर पूरा तरह से उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है लखीमपुर कांड में? हाँ ये तो है, ये खेल तो चल ही रहा है यहाँ, क्योंकि इनका खेल ये है कि इन्होंने विकास नहीं करा और जाति धर्म के नाम पे ही बांटने के चक्कर में रहते हैं कि आपका वोट अगले के ले लो, आपका पछड़े के ले लो, क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे पिछड़ा किसान, अगला किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, जाट, कभी कुछ, कभी गुजर, कभी, मतलब हर मोड़ पे इन्होंने आपस में हमें लड़ाने की कोशिश करी है। और अभी यहाँ लड़ा गए, योगी जी आए यहाँ दादरी में लड़ा गए दो समुदायों को राजा मियर भोज के ऊपर, तो ये सोच रहे हैं मूर्ति लगा के नहीं, जो उन्होंने कारनामे करे हैं बड़े लोगों ने, जैसे सर उसकी मूर्ति लगाए हैं राजा महेंद्र प्रताप की, वहाँ 4 ईंट दरियाए हैं, अरे पहले से उसका तो उद्घाटन करना चाहिए, अगर तुम लोग इतने अच्छे थे तो उसका उद्घाटन करते उस यूनिवर्सिटी का, लेकिन कहाँ 5 ईंट धर के नहीं, अभी आगे फिर वोट लेना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्या है मूर्ति, और ये पाखंडबाजी लोग हैं, और ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने पीछे राज सत्ता कब्जाई है, हर हर मोदी, घर घर मोदी और जय श्री राम, ये सब ये मुद्दे चलने वाले नहीं है कुछ भी, और जनता इनके चालों को समझ चुकी है। क्यों? क्या इन्होंने शिक्षा का वादा करा तो शिक्षा खत्म कर दी, रोजगार का वादा करा, हाँ 2 करोड़ रोजगार दूंगा, रोजगार सारे सटक गए, 80 करोड़ जनसंख्या को इन्होंने इस देश की को भुखमरी के कगार पहुंचा दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, FCI के गोदाम बेच दिए, वो भी क्यों दे रहे हैं, जनता की समझ में नहीं आ रहा क्या? उस गोदामों को खाली करा जा रहा, जिससे गोदाम खाली हो जाएंगे, 5 किलो दे देगा, जनता ये समझती रहेगी हमें बराबर मिला नहीं, तुम्हें जनता को 2.5-3 रुपए रोज दिया जा रहा कुल, और मोदी जी जो उधर से ले रहे हैं जिनके गोदाम कानून बाद में आए, आप सोचते हो कानून बाद में और गोदाम पहले बन जाते हैं, तो ये क्या है? और इसमें निकल के आ रहा जहाँ तक हमारे वो कर रहे हैं, हम खोजबीन कर रहे हैं कि 6 करोड़ 2018 से जो इन्होंने चंदा लिया, 6 करोड़ 14 लाख रुपए रोज का बैठ रहा है, वो कहाँ से चंदा आ रहा? इतने सारे इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदे गए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, पीएम केयर फंड के नाम से प्राइवेट फंड बना लिया चोरी से, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिसमें 500-1500 रुपए छोटे छोटे बालकों ने गुल्लक फोड़ फोड़ के दिए, तो 840 इस पर धारा लगती है, 420 का डबल है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बैठते हुए और जो है एक प्राइवेट फंड बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह देते हैं कि तो हमारा निजी फंड है, तो इन्होंने जिधर भी देख रहे हैं हम, उधर ही लूटमार, और इसके आगे कुछ नहीं है। कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन हमारी ये ट्रेन भी बेच के खा रहे हैं, इन्होंने कहां रूम है, कह रहे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो हमारे बेचारे जो हमारे छोटे लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर घुमा रहे हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, स्मार्ट सिटी से दूर,
तो जहाँ भी देखें कहीं भी ठालो। और ये डिजिटल इंडिया का जो नारा है, इन्होंने हमारा MTNL BSNL क्यों बेचा? अगर ये डिजिटल इंडिया बना रहे तो हमारी जो हमारी राष्ट्रीय कंपनी थी जिन पे हम गर्व करते थे, महसूस करते थे कि भारतीय दूरसंचार निगम है, वो उन्होंने बेच के नष्ट कर दिया। और उसका कारण क्या रहा, मैं इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट बताऊंगा कि जो भी ये जियो या जिनकी भी चल रहा है ये जो खेल चल रहा है, कारण क्या हो रहा है कि जो है ये अब ये सोच रहे हैं कि मोबाइल के जरिए ही बालकों को दो चार मास्टर रहेंगे वे, और वे ही पूरे उसको ले लेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आगे इनका प्लान चल रहा है, बालकों की आंखें जा रही है, छोटे छोटे बच्चे दिन रात उस पर बैठे रहते हैं मोबाइल पे फोन के चक्कर में। उसमें कह जी उसमें अब उन्हें और बहाना मिल गया, कह जी इसमें पढ़ाई चल रही है, लेकिन वह पढ़ाई तो 10% ही करेंगे, 90% उनका तिंगे के कार्टून ही देखेंगे और उनकी आंखें चली जाएंगी। और कुल मिला के बात यह है कि सारा का सारा जब अंधे रहेंगे तो वहाँ किसका रोजगार, और कैसा रोजगार, और किसका रोजगार जी। और हर जगह दिखाया जा रहा है कि 60% मैन पावर कम करी जा रही है। जब ये वोट मांगते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जब ये वहां पहुंच जाते हैं तो डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं, क्या जी डीमोनेटाइजेशन करा जा रहा। तो हमें तो ये समझ में आती, प्रधानमंत्री जी से मेरा तो क्वेश्चन यही है कि भाई जब तुम हिंदी में वोट मांगते हो तो हिंदी में ही संसद में भी हमें समझाओ जरा कि तुम कर क्या रहे हो, लेकिन वहां सारी इंग्लिश बोलनी शुरू कर देते हैं। तो लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब कहने हर मुद्दे पे यहाँ जवाब पहले ले लेगी, और आगे लिखित में एग्रीमेंट होंगे MLA MP जो चुनाव लड़ेंगे उनसे लिखित में, और वे क्षेत्रीय होंगे और जनता उनका पूरा हिसाब रखेगी। अब आगे आने वाला युग जो है ये आ रहा है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।